सर एक चार्ट देखिए, किर्लोस्कर फेरो। फेरस सर इमीडिएट बाई है, एकदम एकदम इमीडिएट बाई है। इस काउंटर को एकदम मत छोड़िए, एकदम इमीडिएट बाई करिए। आज ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया तो आने वाले दिनों में 320 से 320 भी मेरा टारगेट और बड़ा बनना चाहिए। यस 320 तक तो ये चला ही जाएगा, 320 तक तो मिनिमम, 310 से 320 तक तो मिनिमम जाएगा। और अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 400 का भी पकड़ लेगा, तो ये काउंटर इमीडिएट बाई डेली चार्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। ऑल द ट्रेड ऑल द इंडिकेटर्स आर अलाइंड गिविंग अ बुलिश सिग्नल। एकदम लीजिए, इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस आपको 259 के नीचे का देना होगा। 310 ध्यान रखिए, 310 पे अगर अटकता है तो ही प्रॉफिट बुक करना है, और अगर 310 के ऊपर भी चल जाता तो पूरे 360 तरफ के काउंटर चला जाएगा। जी, तुरंत करंट लेवल्स पे खरीद लो सर। हाँ सर एकदम ठीक है, टाइम फ्रेम क्या देख रहे हैं सर? ये जो टारगेट्स आपने बहुत बड़े बड़े दे दिए हैं। सर टाइम फ्रेम देखिए सर, इसमें आज डेली चार्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स आर ऑल अलाइन गिविंग दिस ब्रेकआउट अ पॉजिटिव सिग्नल। आरएसआई भी एकदम बहुत अच्छा पोजीशन पे है। आरएसआई इज आल्सो टच क्रॉसिंग अबव 70, तो बहुत अच्छा सिग्नल है। तो मेरे को लगता है कि कम से कम 1 से 2 हफ्ता के मेरे टारगेट्स आ जाने चाहिए। और एक बार ये अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 305 306 के आसपास का होगा शायद, उसको तोड़ेगा तो फिर तो और बड़ा मोमेंटम दिखाएगा सर इसीलिए मैंने बोला ना कि 310 के करीब अभी इमीडिएट जाएगा, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल है। अगर उस वहां पे बेचना नहीं है, अगर वहां पे अटक जाता है 1-2 दिन कैंडल या 2-3 कैंडल्स, अगर आवर्ली कैंडल्स वहां पे अटक जाते हैं तब आप प्रॉफिट बुक करिए। एल्स अगर उसके ऊपर चलता है तो वेट कर लीजिए, तब 360 से 400 का घर ये काउंटर दिखा देगा।